डॉक्टर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए आपकी मार्कशीट देखी जाएगी, इंजीनियर बनने के लिए आपकी डिग्री देखी जाएगी, कलेक्टर बनने के लिए आपकी डिग्री देखी जाएगी, जज बनने के लिए आपकी डिग्री देखी जाएगी, वकील बनने के लिए आपकी डिग्री देखी जाएगी, मिनिस्टर बनने के लिए आपकी डिग्री देखी जाएगी, पर भगवान का भक्त बनने के लिए कोई डिग्री नहीं देखी। हमारी कोई डिग्री का काम नहीं है। ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज, मीराबाई, कर्माबाई, नामदेव, तुकाराम, मुक्ताबाई, कर्माबाई, रामकृष्ण परमहंस जी, चैतन्य महाप्रभु जी, श्रीमद वल्लभाचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री निंबकाचार्य जी, डिग्री नहीं, भक्ति चाहिए। भगवान को डिग्री नहीं चाहिए, भगवान को भक्ति चाहिए। शिव जी को क्या चाहिए? तुम्हारे, तुम कितने पढ़े लिखे हो? शंकर भगवान को मतलब नहीं है। बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति मरता नहीं है क्या? अरे बोलो तो रे कंजरी वालों, बोलो तो सर। बहुत पैसे वाला व्यक्ति जिसके यहां करोड़ों का धन है, हो पैसा, वो नहीं मरता क्या? ज्ञानी भी मरता, ज्ञानी भी मरता, करोड़पति भी मरता, रोड़पति भी मरता, पहलवान भी मरता और निर्बल भी मरता, खूब डेंटिंग पेंटिंग वाला भी मरता और बिना डेंटिंग पेंटिंग वाला भी मरता, मरना सबको। बहुत पैसे वाला मरने के बाद डनलप के गद्दे पे शमशान तक नहीं जाता है, तुम्हारे यहां कंजरी में जाता हो तो बात दूसरी, हमारे इधर तो नहीं जाता। बहुत पैसे वाला मरेगा तो उसको अर्थी के ऊपर डनलप का गद्दा और इसमें के दो एसी, उसको जो ले जा रहे होंगे दो चार लोग सिर पे, पहले वो जैसे शादी में लाइट सिर पे लेके नहीं चलते, ऐसे कोई बहुत करोड़पति मरे तो उसको गर्मी नहीं लगे तो उसको अर्थी के आसपास में दो एसी लेके चलो और पीछे वाले चिल्लाते जा रहे हैं राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, एसी मस्त है लगा सुतुर तुर चल। जाएगा जब यहां से कुछ भी ना पास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। हमेशा क्वालिटी का सामान पहनता रहा, कपड़े भी कंपनी के, घड़ी भी कंपनी की, जूते भी कंपनी के, हेट भी कंपनी का, बूट भी कंपनी का, मरा तब कफन कौन सी कंपनी का था? कफन की कंपनी नहीं है वो, तो बस जाके रोते रोते कह दिया काका जी निपटी गया। अच्छा बताना भी नहीं पड़ता, कपड़े सिलवाओ तो बताना पड़ता है आस्तीन तीन की, चार की, कुर्ता की लंबाई छह की कि पांच की, पर मरने वाले का तो जाके बोल दो बस मर गया। कपड़े वाला भी नहीं पूछेगा कि कितना लंबा था, उसको मालूम है पहले से, उसने काट के पहले ही दे दिया। लो अब यहां तो नाप भी उसके पास में है, कितना चतुर है कपड़े वाला, तुरंत कटा कटा। अब वहां किसी ने नहीं पूछा रेमांड का है? हमारे काका जी तो बिना रेमांड के रह ही नहीं पाते, अब इनको रेमांड का कफन दे दो। दुकान वाला बोलेगा ले जाओ ले जाओ, जे जो है वो ले जाओ। फिर मटकी लाया, अब मटकी वाले से पूछो कौन सी कंपनी की है, इसकी कंपनी क्या काम की,
मिट्टी की मटकी, काय की मटकी, मिट्टी की। तो रोते रोते कह दो, हमारे काका जी तो कभी मिट्टी में बैठते ही नहीं थे, जमीन पे तो बैठे ही नहीं, हम भी मटकी मिट्टी की नहीं ले जाएंगे, चांदी की लाओ। शमशान में रहने वाला मुर्दा जलाने वाला भी कहेगा, पहली बार कहीं का मुर्दा आया, चांदी की मटकी लाया। पर परिवार वाले इतने चतुर थे, मटकी वापिस शमशान से घर ले जाएंगे, कोई छोड़ जाए, कौन छोड़ेगा, कौन छोड़ेगा। एक बहू ससुर के मरने के बाद रो रही है, बच्चे पास में, सब कह रहे हैं ससुर जी के कपड़े बाहर फेंक दो, जिस पे सोए थे वो चादर और गादी भी, अरे बोलो तो जम के, बाहर फेंक दो। सब सामान फेंक दिया, बहू सोने की चैन ससुर की उतार रही थी, पीछे से छोरा ने दिकरा ने कह दिया, मम्मी चैन भी फेंक दो। चैन नहीं फेंकी, डीकरा के धो दिया, बैठ चुप, बैठ बोल मत देना। और फिर बहू ने इतना घूंघट करा, फिर रोने बैठ गया, फिर लगाया, फिर चालू हुई बार रोबा। और जो रोबा चालू हुई, इतनी देर में चैन तो बाजू में, वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं, कौन संसार में तुम्हारा।